Hey, good morning guys. Kamma ganin to all my viewers. Welcome back to my channel. Friends, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जावेद हबीब की फेस मास्क रेमेडी शेयर करूँगी. मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, साथ ही साथ आप इसे इजीली बना सकते हैं. इसके लिए सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, वो है पटेटो, मतलब आलू. हमें यहाँ पे आलू के रस की आवश्यकता है. सेकंड, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये टैबलेट्स मार्केट में आती है फेस मास्क की, जिसे आप पानी में या किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो अपने आप फेस मास्क बन जाता है. बहुत ही सस्ते आते हैं और इजीली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं. और हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है. फर्स्ट वन इज़ टैबलेट, फेस मास्क टैबलेट्स, एंड सेकेंड इज़ पटेटो. फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पटेटो लिया है. आपको मीडियम साइज़ के दो पटेटो लेने हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दो मीडियम साइज़ के पटैटो यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं. पटैटोज़ में बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है. ये हमारे चेहरे से रिंकल्स को कम करता है, हमारे चेहरे में बहुत ही अच्छी शाइन लाता है और हमारे चेहरे पे जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से ये कम कर देता है. बहुत ही इफ़ेक्टिव है. सेकेंड, मैं यहाँ पे फेस मास्क टैबलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही सस्ती आती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है. ये देखिए, कुछ इस तरीके की वाइट कलर की टैबलेट होती है. जब हम इसे किसी लिक्विड में डालते हैं तो ये एक फेस मास्क को बना देती है. फ्रेंड, जो भी मैंने दो आलू लिए थे मीडियम साइज़ का, उसका मैंने जूस निकाल लिया है. आप इजीली इसे ग्राइंडर में डाल के निकाल लीजिए. ये अप्रॉक्स 5 to 6 टेबल स्पून पटेटो जूस है. ये देखिए, आपको इस फेस मास्क के लिए कम से कम इतना जूस चाहिए आलू का. बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है. आप इसे डेली फेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं. इस पर मैंने एक इंडिविजुअल भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं. ये देखिए, मैंने इसमें ये टैबलेट डाल दी है. जैसे इसको मैंने लिक्विड में डाला है, ये फेस मास्क बन गया, आप देख सकते हैं. इसे अच्छे से इसमें सोक होने दीजिए जिससे ये अच्छे से पूरा पटेटो जूस सोक कर लेगा अपने अंदर. अब मैं इसे खोल दूंगी. ये देखिए, जो फेस मास्क हम मार्केट से बहुत ही हैवी प्राइजेस में लेके आते हैं, वो हम इजीली घर पे बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं. ये देखिए, ये जावेद हबीब की बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है. मैं खुद इसे ट्राई करती हूँ और मुझे खुद को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. इसी वजह से मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. पटेटो जूस हमारे चेहरे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है. ये कुछ इस तरीके का फेस मास्क बन जाएगा. इसे अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगा के रखिए, उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. फ्रेंड्स, पटेटो सच में बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपको डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए. और ये फेस मास्क का पैकेट आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं टैबलेट्स का, और उसके बाद आपको जो भी इंग्रेडिएंट आपके चेहरे के लिए बहुत ही इफेक्टिव है उसका फेस मास्क बना के आप वीक में एक दो बार लगा सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.